नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी 78 इंडिया न्यूज। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कानपुर की नई सड़क से, जहां पर मुहर्रम का बड़ा ही शांतिपूर्ण तरीके से निकाला गया विशाल जुलूस, जिसमें कि मुख्य रूप से एसपी ट्रैफिक और जिलाधिकारी कानपुर ने निभाया रोल, जिसमें कि जो कि कही बात जाए कही जाए कि सुरक्षा व्यवस्था की, तो सुरक्षा व्यवस्था भी बहुत ज़्यादा अच्छी रही कि किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना होने पाए। उस तरह से हर चौराहे पे पुलिस बल तैनात। कानपुर से ऋषभ शुक्ला जी की खास रिपोर्ट। के लोग भी मौजूद हैं, आइए इनसे भी पूछते हैं इस मुहर्रम का क्या महत्व है। आइए देखते हैं। आपका नफीस शमशी, ये जो जुलूस निकलता थी क्या मान्यता है? ये जो है का मेहंदी निकलती 7 तारीख को, और जो है मन्नतें मानी जाती है इसमें, जो है 70 साल से यहाँ पे मेहंदी निकल रही नई सड़क से। नई सड़क कमेटी चला रही है इसको, हर साल निकलती है ये। और इसमें जो मन्नत मानते हैं, मन्नत मानते हैं जो पूरी होती है, उनकी जो है मन्नतें पूरी होती हैं, और लोग दूर दूर से आते हैं चढ़ाने, कोई बाबू करवा, कोई नई सड़क, कोई बेगम, मतलब सभी से लोग आते हैं, काफ़ी दूर से आते हैं लोग और मेहंदी चढ़ाने के लिए। 2 साल से नहीं हुआ था त्यौहार, ये कोरोना था और जो है लॉकडाउन के कारण अब की जो है त्यौहार बनाया जा रहा है, और योगी साहब के भी आदेश थे कि आप लोग त्यौहार अच्छे से बनाइए। हम लोग जैसा कि यहाँ पे जो कही जाए प्रशासन की व्यवस्था, तो प्रशासन की व्यवस्था किस तरह, प्रशासन आपके साथ है? प्रशासन हमारे साथ पूरी तरीके से, हम लोग प्रशासन के साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं किसी को प्रशासन से, किसी को कोई चीज़ की परेशानी है, प्रशासन दुर्व्यवहार किसी के साथ नहीं, नहीं नहीं कोई परेशानी नहीं, प्रशासन हम लोग का पूरा सहयोग में है, बल्कि हम लोग थोड़ा वो पीछे हट रहे थे, प्रशासन हम लोग का पूरा साथ दिया है मेहंदी में जुलूस में। आप लोग भी किसी संस्थान से बिलोंग करते हैं? जी, आदर्श शिक्षण संस्थान, समाज सेवी संस्थान है उससे। हमारे साथ आदर्श शिक्षा संस्थान वाले लोग भी जुड़े थे, जिन्होंने इस मुहर्रम के बारे में बताया कि इस मुहर्रम की जो मान्यता होती है वो बहुत ही बहुपूर्ण होती है, जो पैकी बनते हैं इसमें वो उनकी जो मन्नत होती है वो पूरी हो जाती है। बने रहिए मेरे साथ, मैं संवाददाता ऋषभ शुक्ला, कैमरामैन कुलदीप त्रिवेदी के साथ, नई सड़क कानपुर, उत्तर प्रदेश।